नमस्कार, स्वागत है आपका घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर टॉपिक, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 और 2 में, पार्ट वन में हमने नॉन फाइनाइट्स के जो 3 पार्ट्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल्स, इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और पार्ट नंबर 2 में इन्फिनिटिव अर्थात बेल इन्फिनिटिव एंड 2 प्लस इन्फिनिटिव, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेल इन्फिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म अर्थात पार्ट नंबर 2 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था इन्फिनिटिव के बारे में। तो आप सबने नॉन फाइनाइट से रिलेटेड पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों वीडियोज को ध्यान से वॉच करना है ताकि आपको पार्ट नंबर 3 अच्छी तरह से समझ में आ जाए। टुडे वील डिस्कस इन पार्ट नंबर 3 जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप सबको पता है कि पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। बट टुडे वी आर कंपेयरिंग, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरेंट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच। क्योंकि आप सबको पता है जेरेंट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के जेरेंट बनता है, और इसी प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। बट डिफरेंस क्या है? जब दोनों में फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो इनमें डिफरेंस क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जेरंड में? तो हमने देखना है जेरंड में जब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो ये एज ए नाउन कार्य करता है, एज ए नाउन इसका हम प्रयोग करते हैं, एज ए नाउन। और ये एज ए नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। और कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद जेरंड का ही प्रयोग होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम देखते हैं ये एज ए वर्ब, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम जब देखते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर का, फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो ये एज ए वर्ब यहाँ प्रयोग हो रहा है। और एन एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आई एन जी लगता है तो किसके रूप में ये यूज होता है? एन एडजेक्टिव के रूप में। तो फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज इंजरियस, इंजरियस टू हेल्थ। तो हेज स्मोकिंग इट मीन्स नाउन, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या प्रोनाउन। तो ये स्टार्टिंग स्मोकिंग से हो रही है, हालांकि स्मोक वर्ब है, स्मोक स्मोक स्मोक्ड, जब आईएनजी लगता है तो ये एज ए वर्ब भी काम करता है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन नाउन। तो जिरंड में एज ए नाउन के रूप में ये काम कर रहा है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट इज ए नाउन, एज अ नाउन स्मोकिंग। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ही इज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रहा है, ये एक वर्ब के रूप में यहाँ पर हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में इसमें लगा रहे हैं, वह धूम्रपान कर रहा है। तो ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसको यूज करेंगे, न कि जेरेंड के रूप में, ये क्रिया के रूप में यहाँ पर हम लगा रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि
आई सॉ ए फॉलिंग लीफ, मैंने देखा एक लीफ पत्ते को, कैसे देखा, फॉलिंग गिरते हुए, यानी ये एज एन एडजेक्टिव के रूप में यहां पर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लीफ तो है, लीफ नाउन है और नाउन की विशेषता प्रकट किसके द्वारा, लीफ कैसी है, गिरती हुई, तो ये जो फॉलिंग है एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। शी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखो राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, इज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये एज अ वर्ब यहां काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव। अब जैसे देखिए द वर्क इज टायरिंग, ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको एक तरह से नाउन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं। वर्क कैसा है, टायरिंग, थकाने वाला, तो इसकी विशेषता, वर्क की विशेषता प्रकट हो रही है यहां पर किसके रूप में, टायरिंग, तो ये यहां आई एन जी लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टोरी, स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोरी की विशेषता इंटरेस्टिंग, रुचिकर है। ही वेंट अवे लाफिंग, देखो आई सॉ हिम रनिंग, तो ये जो रनिंग है, लाफिंग है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइंग, लाइंग ऑन द बीच आई सॉ ए शिप, मैंने एक जहाज देखा, समुद्री जहाज, कब, जब मैं लाइंग लेटा हुआ था, कहां पर, बीच, समुद्री किनारे पर लेटा हुआ था, तो लाइंग इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही फायर्ड किलिंग द बियर, उसने फायर किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, किलिंग द बियर, रिच को मारते हुए, रिच को मारना, तो ये किलिंग क्या है यहां पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही इज स्विमिंग इन द रिवर, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, नदी में तैर रहा है, तो ये इज एम आर है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है, तो ये हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में इसको प्रयोग कर रहे हैं एज अ वर्ब, एज अ वर्ब यहां पर प्रयोग कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेनली ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होती है फॉर्म यहां पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और कई बार ये एज अ वर्ब यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं, ही इज अ स्विमिंग इन द रिवर, लेकिन स्विमिंग एज एडजेक्टिव कैसे प्रयोग होते हैं ये हम देख रहे हैं यहां पर। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज है, स्विमिंग इट इज जेरेंट, क्योंकि ये स्विमिंग सब्जेक्ट के रूप में है और सब्जेक्ट में या तो प्रोनाउन या नाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो ये प्रोनाउन तो है नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है, और वर्ब जेरेंट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते, ये तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, नाउन से, तो स्विमिंग यहां पर क्या है, नाउन, तो ये क्या है यहां पर, जेरेंट, और ये स्विमिंग यहां पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूप में यहां पर प्रयोग हो रही है। तो इस प्रकार हम यहां पर देखते हैं, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ड्रिंकिंग, शराब पीना, ये शराब पीने से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग हेल्थ के लिए बुरी है, शराब पीना बुरा है, तो ये ड्रिंकिंग एज अ जेरेंट। नो पार्किंग, कुछ विशेष ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं, स्लोगन लिखे हुए जगह जगह पर नो के साथ, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, जो वर्थ है एंड बीजी, जब हम देखते हैं बीजी और वर्थ जो एज एन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में वर्थ और बीजी का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, जेरेंट का प्रयोग, ये आपने याद रखना है, वर्थ एंड बीजी ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद जो हम इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज करेंगे वर्ड को, रीड को या पैक को, तो उसके लिए हम क्या आई एन जी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जेरेंट, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इसके जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम जो साथ में इसके जोड़ेंगे, तो वेटिंग है या राइटिंग है या जो भी है वर्ड हम लिखते हैं इसमें, इट इज नो यूज के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, जेरेंट का, अर्थात फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। ही इज यूज्ड टू स्मोक,
किंग एंड ही यूज टू स्मोक। देखिए जब ये यूज टू यहाँ पर एज ए माउडल, एज ए माउडल ऑक्सिलरी हमने यूज किया इसको, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग हमने किया है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया स्मोक। लेकिन ये यहाँ पर जो यूज टू है ये माउडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं है, बल्कि ये हम इसको एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग जब हम यूज टू को करेंगे, यानी इसका मतलब आदि होना, आदि होना। और इसकी पहचान क्या, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जब हम यूज टू लगाएंगे तो ये मॉडल एक्सिलरी नहीं होगा, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, जिरंड का प्रयोग करेंगे, स्मोकिंग, नॉट स्मोक। ये इन्फिनिटिव है क्योंकि ये एज अ मॉडल एक्सिलरी यूज टू स्मोक, तो इन्फिनिटिव लगा दिया फर्स्ट फॉर्म हमने। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू, तो उसमें हम क्या करेंगे, जेरेंड का प्रयोग करेंगे, स्मोक के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो आपने याद रखना है जिस प्रकार वर्थ एंड बीजी के साथ हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, नो नो नो, क्या है, जेरेंड जेरेंड जेरेंड, पार्किंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग स्टार्ट में हम लिख रहे हैं एज ए नाउन, धूम्रपान या शराब पीना या धूम्रपान के रिलेटेड, ये संज्ञा के रूप में है, एज ए सब्जेक्ट तो हम जिरंड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वुड यू माइंड, ये वर्ब माइंड जब आ जाता है वुड यू माइंड, माइंड के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं माइंड में, ही वाज फाइंड फॉर, जब प्रपोजिशन आ जाए फॉर, इन या ऑन, जब आप देखेंगे प्रपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी वर्ब जब आएगी प्रपोजिशन के बाद, फोर यहाँ हो सकता है, ऑन हो सकता है या इन भी हो सकता है, यहाँ पर इन फोर ऑन, तो इसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग करेंगे। अवॉइड, ये कुछ ऐसी वर्ब है, अवॉइड के बाद हमेशा गैम्बलिंग, अवॉइड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जुआ खेलना, मैं जुए खेलने से मना करता हूँ, अवॉइड करता हूँ जुआ खेलना, तो इसके लिए हम क्या, जिरंड का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये स्विमिंग है, ये भी एज ए नाउन प्रयोग कर रहे हैं। वर्ब फॉलोड बाय जिरंड, यानी कुछ ऐसी वर्ब है इसके बाद हमेशा क्या आएगा, जिरंड का, अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा, वो वहाँ जिरंड के रूप में प्रयोग करेंगे, जैसे स्टॉप, फिनिश, ड्रेट, प्रेजेंट, प्रिवेंट, नॉट प्रेजेंट, इट इज प्रिवेंट, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिनाई, स्टार्ट, लव, हेट, रिकलेक्ट, रिजेंट, डिले, पोस्टपोन, डिफा, इंजॉय, फैंसी, इमेजिन, फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज, सजेस्ट, कीप, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, कंसीडर, मिस, इन्वॉल्व, माइंड एट्सेट्रा, अर्थात और भी वर्ब हो सकती हैं। तो इस प्रकार ये वर्ब आएंगी तो सेंटेंस में, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, जिरंड का प्रयोग करेंगे। जैसे इंजॉय है, देखिए आई इंजॉय स्विमिंग, तो हमने ये स्विमिंग, ये क्या किया, हमने एक इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इंजॉय के बाद क्या लगाया है, स्विमिंग। और यहां पर हमने स्विमिंग को स्टार्ट में एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज किया स्विमिंग को, और यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट अर्थात इसके कम्प्लीमेंट के रूप में, इसके पूरक के रूप में एंजॉय के बाद हमने स्विमिंग का प्रयोग किया है। तो एंजॉय जब आता है तो हम क्या लगाते हैं, जेरेंड का प्रयोग करते हैं। प्लीज स्टॉप राइटिंग, स्टॉप के बाद हमेशा जेरेंड का प्रयोग होता है, स्टॉप ये वर्ब है स्टॉप। डोंट रिस्क, रिस्क के बाद जेरेंड का अर्थात आईएनजी का प्रयोग हम कर रहे हैं। और कुछ वर्ब ऐसी भी हैं हमने ध्यान रखना है कि जिसमें हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं और जेरेंड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, आई रिमेंबर मीटिंग द प्रिंसिपल, तो ये रिमेंबर के बाद हमने जेरेंड का प्रयोग किया है। हेयर प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मतलब उस लेटर को पोस्ट करने से पहले आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, टू पोस्ट द लेटर। तो यहां पर हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग भी देखो रिमेंबर के साथ कर दिया। तो कुछ वर्ब ऐसी भी हो सकते हैं, ऐसी हैं कुछ वर्ब जिसमें हम इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, एज अ जेरंड अर्थात आई रिमेंबर मीटिंग, तो रिमेंबर के साथ मीटिंग, और ये पहले से आपने याद रखना है, कार्य करने से पहले से आपने याद करना है रिमेंबर के रूप में, तो हमने टू पोस्ट, टू पोस्ट, तो फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ प्रयोग कर दिया। माई हेयर नीड्स कटिंग, तो जब ये माई हेयर नीड्स टू बी कट, जैसे हम इसको यदि हम पैसिव वॉइस की बात जब करते हैं, पैसिव वॉइस में टू बी कट, तो माई हेयर नीड्स कटिंग, राइट। लेकिन जब इसको एज ए मॉडल हमने नीड को यहाँ प्रयोग किया है, यू नीड नॉट गो, यहाँ हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया, यानी वेर इन्फिनिटिव का। आई लाइक स्विमिंग, देखो आई लाइक स्विमिंग, जब लाइक को हम इंजॉय के रूप में लेते हैं, पसंद करना, आनंद लेना, लाइक के रूप में, आनंद लेने के रूप में हम जब इसका यूज करते हैं, तो ये हम जिरंड का प्रयोग करेंगे। स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग का आनंद लेता हूँ, पसंद करता हूँ। और जब चाहना लाइक के रूप में, मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा करना मेरी इच्छा है, आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता क्या डिस्टर्ब यू हिम, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो चाहने से रिलेटेड आई डू नॉट लाइक, मैं ऐसा नहीं चाहता किसे उसे डिस्टर्ब करना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टू इन्फिनिटिव, टू डिस्टर्ब हिम। और जब इंजॉय से रिलेटेड लाइक का हम यूज करते हैं, तो हम फिर जिरंड का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार जब हम इधर देखते हैं, एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब यूज करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मुख्य रूप से हम एज एन एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। लेकिन हम जब ये देखते हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाइन, वे शराब पी रहे हैं, तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यही ड्रिंकिंग हम जेरंड में एक नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो आप सबने इस बात को ध्यान से देखना है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात बार्किंग डॉग्स, ये कहावत है, एडवर्ब है ये, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो डॉग्स की विशेषता यहाँ पर कट हो रही है एडजेक्टिव के रूप में, क्या कुत्ते कैसे हैं बार्किंग, भौंकने वाले। लेकिन इसका जो अर्थ है वो प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलेगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसी प्रकार आई फाउंड हर स्लीपिंग, मैंने उसे पाया क्या करते हुए, स्लीपिंग सोते हुए, तो ये स्लीपिंग वर्ड क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये स्विमिंग वर्ड क्या है, आई सॉ ए शिप, मैंने उसे देखा, लाइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार आपने डिटेल में ध्यान से देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड दोनों में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एज एन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, कई बार इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गोइंग, गोइंग के साथ हम आईएनजी, ये एज वर्ब है। लेकिन मुख्य रूप से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसके रूप में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को, एज एन एडजेक्टिव। तो आपने ये बात देखनी है कि नाउन के रूप में या प्रोनाउन के वर्ड के रूप में जो यूज हो रहा है वर्ड, और उसके साथ जो क्रिया आई हुई है वो उसके एडजेक्टिव के रूप में वहां पर प्रयोग हो रही है, उसकी विशेषता बता रही है। कई बार एडवर्ब के रूप में भी हम देख रहे हैं, वेंट अवे लाफिंग, वह चला गया हंसते हुए, तो ये एडवर्ब की भी तो सेंस इसमें हम देख सकते हैं। तो लाफिंग, हंसते हुए, उसकी क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, हंसते हुए। तो इस प्रकार आप मुख्य रूप से देखते हैं इसमें कि एडजेक्टिव के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, और वर्ब के रूप में। लेकिन जब हम जिरंड की बात करेंगे, जिरंड में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगता है, लेकिन इसमें एज ए नाउन के रूप में, जब क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आएगा ये, या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, लेकिन एज ए नाउन इसको हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे। और कई
वर्ब ऐसी है जिसके बाद हमेशा हमने जिरंड का ही यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही यूज करना है, और इंजॉय के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे. माइंड, रिस्क, स्टॉप, बीजी, वर्थ और इट इज नो यूज के बाद की जो जो वर्ड है उसके इट इज नो यूज के बाद हम इसका यूज करेंगे जेरेंड का. और यदि यूज टू है सब्जेक्ट के बाद यूज टू एज ए मॉडल तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और यदि यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर वाज वर्ब तो ये यूज टू इसका मतलब हो जाएगा आदि होना और उसके बाद फिर हम आई एन जी का प्रयोग करेंगे. और इसी प्रकार हम जब आई लाइक स्विमिंग एंजॉय से रिलेटेड है, आनंद लेने से रिलेटेड है तो लाइक को हम जेरेंड का प्रयोग करेंगे, और जब लाइक को हम दूसरी सेंस में चाहने के रूप में हम जब इसके यूज करेंगे तो हम वहां पर टू इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. तो आप सबने देखा कि पार्ट थ्री में नॉन फाइनाइट के जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है और किस प्रकार हम इन दोनों को यूज करते हैं. तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में जब ब्लैंक्स को फिलअप करना आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसमें बताएं ये जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या आपसे पूछा जाएगा कि इसमें फिलअप करो नॉन फाइनाइट के वर्ब के रूप में. तो उसमें जब हम फिलअप करेंगे तो उसमें इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरंड भी हो सकता है एंड पार्टिसिपल्स भी हो सकता है. तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपने ध्यान से देखा, इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में इन्फिनिटिव के बारे में डिस्कस किया. अब हमने डिफरेंस बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है और जेरेंड में क्या डिफरेंस है. तो आप सबने ये अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट करना है, इस वीडियो को वॉच करना है, बार बार आपने देखना है ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं. और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4 नॉन फाइनाइट का, उसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में. तो आपने ये वीडियो में जो जानकारी हासिल की है वो अच्छी तरह नोट कर लेनी है और आपस में सभी स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कस करना है. ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय.